आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल 72 पाइनियर फॉर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग पीजीटी कॉमर्स 3 पार्ट 3 पे चर्चा करेंगे। पिछले दो पार्ट हम जारी कर चुके हैं, जिनने नहीं देखे हैं वो दो पार्ट पे भी देख लें, और सारे इम्पोर्टेंट चैप्टरों के अनुसार क्रमागत रूप से लिए जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए। तो बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमारे जो बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा रुपए हम निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं बैंक अधिविकर्ष, और ये चालू दायित्व के अंतर्गत आता है, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि वर्ष के अंत में दिए गए लाभांश को प्रदर्शित करेंगे। तो वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया रहता है वो कहलाता है अंतरिम लाभांश। क्या कहलाता है? अंतरिम लाभांश, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड, ठीक। और इसको दिखाया जाता है लाभ हानि समायोजन खाते में। अब हमारा प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 3, अंतिम रहतिया 53,400 है, विक्रय की लागत 75,000 रुपये है, सकल लाभ 5,000 रुपये है, क्रय 82,000 रुपये है, और प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में अगर इसको रखते हैं तो हम जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कितनी है? 75,000 रुपये, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 53,800, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अभी है नहीं। परचेज हमारी कितनी है? परचेज हमारी है 82,000, ठीक है। और इसको अगर हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो ये जोड़ निकलेगा 00,458 और 4,512, यानी कि 1,28,000, ठीक है, 1,28,400, और इधर भी लिख देंगे 1,28,400, ठीक। अब 1,28,400 में से ये 82,000 परचेज वाला घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 46,400, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब आप सोचेंगे कि इस ग्रॉस प्रॉफिट का यूज क्यों नहीं किया? तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स, सेल्स निकलेगा, अभी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अगर हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 80,000 सेल, क्योंकि सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। और फिर हम यहाँ पे अगर जीपी को लिख देंगे तो जीपी 5,000 लिखने पर भी हमारा ये बैलेंस 5,000 बढ़ जाएगा और ये 1,33,400 पे चला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पर है वो 46,400 ही आएगा। अब हमारे पास प्रश्न है कि एक व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियां जनवरी 1 को और जनवरी 31 को 39,000 और 38,000 है, और व्यवसाय के मालिक द्वारा जनवरी में 2,000 रुपये और विनियोजित किए जाते हैं और 6,000 रुपये आहरण किया जाता है यानी ड्रॉइंग किया जाता है। जनवरी माह का शुद्ध लाभ क्या होगा? नेट इनकम क्या होगी? तो हमारे पास जनवरी के प्रारंभ में इनके पास 39,000 रुपये बिजनेस में थे, और इसके बाद इन्होंने 2,000 रुपये और इन्वेस्ट किए, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो एक्स्ट्रा किया है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41,000, ठीक है। अब इन्होंने आहरण किया यानी कि ड्रॉइंग, ड्रॉइंग जो होता है वो लेस होता है, तो 6,000 यहाँ पे हम ड्रॉइंग्स को लेस कर देंगे और हमारे पास बचेगा 35,000, लेकिन इनके में बचा कितना है? 38,000, यानी जो ये 3,000 संपत्तियों में वृद्धि हुई है तो ये 3,000 हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा, आय कहलाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति है? स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स को कहते हैं। अब फिक्स्ड असेट्स क्या है? तो जिसका यूज या उपयोग हम लोग मोर देन 1 ईयर कर सकें। कितना कर सकें? मोर देन 1 ईयर, ये फिक्स्ड असेट्स होती है। तो बैंक से हमारा करंट में आ जाएगा, निर्मित माल का स्टॉक करंट में आ जाएगा, छोटे औजार भी करंट में आएंगे, तो ख्याति किस में चला जाएगा? फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा। तो हमारे इस ऑप्शन का आंसर है थर्ड, ठीक
ठीक है, ख्याति यानी कि गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि यदि पूंजी 1 जनवरी को 19,400 है और 31 दिसंबर को 21,500 है, आहरण इन्होंने किया है 4,300 का यानी ड्रॉइंग्स, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इन्होंने पूंजी जो लगाई थी वो 19,400 लगाई थी, ठीक है, इसके बाद इन्होंने आहरण कर लिया, कितना कर लिया 4,300 का, तो इनका जो बैलेंस है वो बचना चाहिए 15,100, लेकिन इनके पास बचा कितना 21,500। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर क्या है 6,400 ज्यादा बचा है, यानी ये 6,400 क्या है इनका लाभ है, क्योंकि शुरुआत में पूंजी थी 19,400, इसने 4,300 का आहरण यानी ड्रॉइंग कर लिया और इसके पास होना चाहिए 15,100 वर्ष के अंत में, लेकिन इनके पास वर्ष के अंत में है कितना 21,500, यानी 6,400 रुपए यहां पर इनका लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि बैंक में बुनाया गया बिल है। अब बैंक में क्या होता है, कोई हमें बीआर दिया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हमने लिया, हमने ये किसी डेट का है लेकिन इस डेट के पहले ही हमने इसको बैंक में जमा करा दिया और बैंक से इस बिल के एवज में केस ले लिया। अब ये केस जो आ गया है, अगर ये बिल रिसीवेबल उस समय पे पेमेंट हो जाए जिस तारीख में है, तो बैंक को हमें देना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा कस्टमर उसको दे देगा, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो बैंक में फिर किसको भरना पड़ेगा, हम लोगों को भरना पड़ेगा। तो ये है संभाव्य दायित्व, ठीक है, जो इन फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, चालू दायित्व नहीं है। आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि व्यवसाय की संपत्ति 21,315 है, दायित्व 4,120 है, तो स्वामी पूंजी क्या होगी यानी कैपिटल क्या होगी। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास असेट्स दी गई है 21,315 और बराबर में कैपिटल हमारे पास है नहीं, तो कैपिटल को कैपिटल लिख देते हैं और लायबिलिटीज हमारी 4,120 है। ये 4,120 इधर आके घट जाएगी 4,120, तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, तो ये हो गया 2 और 1, और ये हो गया 7, और ये 1, 17,195 रुपये यानी ऑप्शन 2 हमारा जो है इसका स्वामी कैपिटल पूंजी कहलाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, यदि वस्तु का विक्रय लागत 1,20,000 है, यानी विक्रय लागत यानी कॉस्ट 1,20,000 है, ठीक है, फिर कह रहा है ग्रोस लॉस यानी सकल हानि वो कितनी है, विक्रय पर 1/4 है यानी सेल्स का 1/4 है, यानी अब अगर हम बात करें कि सेल्स कितनी है, तो यहां पर सेल्स हमारी कितनी आ जाएगी, सेल्स मान लेते हैं 100 × 1/4 यानी 25। ठीक है, अब हमारा लॉस कितना हो गया 25 हो गया, तो सीपी क्या हो जाएगी इसके हिसाब से, सेल्स प्लस लॉस, तभी सीपी निकलेगी क्योंकि कम में बेचा है, बेचा 100 में है, जबकि वस्तु कितने की है 125 की, यानी जो अपना वस्तु का लागत मूल्य है वो इसके बराबर है, यानी 100 × 125 × 1,20,000। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4/5, 4/5 आगे कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 96,000 रुपए आपके आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर इसका प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं एसपी कितना 100, अब प्रॉफिट कितना विक्रय मूल्य का 25% यानी 25, यानी अब सीपी कितनी हो गई एसपी माइनस प्रॉफिट 100 − 25 यानी 75, और अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है अकॉर्डिंग टू सीपी, तो पी अपॉन सीपी इंटू 100, तो 25/75 × 100 यानी 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.33। ठीक है, यहाँ का ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि
संपत्ति दी गई है जनवरी 1 को 30,000, दायित्व दिए गए 13,000, पूंजी 31 दिसंबर की दी गई 16,500 और स्वामी द्वारा वर्ष में आहरण किया गया 4,000। तो कह रहा जनवरी 1 को पूंजी कितनी होगी, तो जनवरी 1 को पूंजी तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, संपत्ति हमने आपको बताया था असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो ये असेट्स में से लाइबिलिटीज कम हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी 17,000। पूरे क्वेश्चन में घुसने की बजाय आप बहुत सरलता से भी उस प्रश्न को कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से आप चाहते हैं 13,000 का ये दायित्व था, 4,000 का ये, तब भी आपका क्या आएगा, 17,000 आंसर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि यदि 48,000 रुपये एवं विक्रय मूल्य पर 20% की लाभ गणना करनी हो तो लाभ क्या होगा। यहाँ पे 48,000 रुपये हमें लगता है कुछ मिसप्रिंट है और उस पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 48,000 ये लागत मूल्य है, ठीक है। कह रहा यदि लागत मूल्य 48,000 रुपये और विक्रय पर 20% की लाभ की गणना करनी है तो कैसे होगा। तो विक्रय पर 20 की लाभ करनी है, मैंने आपसे कहा था एसपी मान लो 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया, एसपी का ही 20% कह रहा है तो 20। अब सीपी क्या हो गई, तो सीपी निकालेंगे तो एसपी माइनस पी यानी 100 माइनस 20 यानी सीपी हो गई 80, ठीक है। अब हमसे वो कह रहा है कि लाभ कितना है, तो 20/80 × 100, तो ये तो 25% लाभ आएगा, ठीक है। यानी 48,000 का 25% कितना हो गया, 48,000 का 25% हो गया 12,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 12,000 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि एक आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र धारक द्वारा शोधित ऋण पत्र यानी रिडम्ड ऋण पत्र डिबेंचर्स का भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है तो उसको दिखाया जाएगा, उसको सुरक्षित लोन के अंतर्गत दिखाया जाएगा सेक्योर्ड में, और सेक्योर्ड लोन में क्या क्या दिखाया जाता है यह भी आपको बता दें। डी बेंचर्स जिन्हें आप ऋण पत्र कहते हैं पहला आइटम, दूसरा टर्म रहेगा आपका लोन्स फ्रॉम बैंक जो बैंक से लोन लिए गए हैं, ठीक है, फ्रॉम बैंक और बैंक से ऋण। तीसरा टर्म है आपका लोन सब्सिडाइज, ठीक है, ये आपका रहेगा। और चौथा टर्म आपका रहेगा इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू ऑन सेक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू ऑन सेक्योर्ड लोन, ठीक है। ये चार टर्म आपके जो हैं सुरक्षित के अंतर्गत आएंगे, या चार मदें जो है सुरक्षित के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है तो जो कंपनी एक्ट है उसकी 211 सेक्शन के अंतर्गत हम लोग जो है पहले स्थायी संपत्तियां दिखाते हैं और फिर अस्थायी संपत्तियां, ठीक है। तो स्थायी यानी कि फिक्स्ड, ठीक है, और फिर करंट, ठीक। और फिक्स की बात करें तो एक हमारे पास होती है दृश्य और एक होती है अदृश्य, तो पहले अदृश्य दिखाई जाती है फिर दृश्य दिखाई जाती है, ठीक है, यही क्रम होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे तो स्थायित्व के आधार पर दिखाई जाती है, तो यहाँ का सेक्शन जो है कंपनी एक्ट के अनुसार 211 है और उसके अंतर्गत इस तरीके से दिखाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखा है आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाता है, तो अग्रिम भुगतान हमारी क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति को कहाँ दिखाते हैं, तो संपत्ति को हम लोग चिट्ठे के असेट पक्ष में दिखाते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे हम सरलतम बात ये आपको बता सकते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते। अब हमारे पास प्रश्न है कि अवलंबित दायित्व एक दायित्व है, अवलंबित दायित्व उसे कहते हैं जिसका होना या न होना भविष्य की किसी घटना पर निर्भर करता है, कि ऐसा होगा
तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये अवलंबित दायित्व कहलाता है। तो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है कि अग्रिम प्राप्त आय होती है। तो अग्रिम प्राप्त आय का मतलब होता है हमने आगे जो आय लेनी थी, यानी अगले वर्ष जो आय हमें आपसे लेनी थी वो हमने इसी वर्ष ले ली। तो जब तक इस आय का समय नहीं आ जाता, जब अगले वर्ष में पहुंचेंगे तभी इसका समय आएगा, तब तक ये हमारे लिए एक दायित्व है। लेकिन जब इसका समय आ जाएगा तो ये हमारी संपत्ति हो जाएगी। तो अग्रिम प्राप्त आय, जिसे अनएक्यूड इनकम कहते हैं, जो हमने कमाया नहीं है लेकिन हमें प्राप्त हो गया है, उसको हम दायित्व के अंतर्गत, लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो क्षतिपूरक अशुद्धियां होती क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो कभी कभी क्या होता है कि जनरल में खाता बही में पोस्टिंग करते समय कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो एक गलती दूसरी गलती के द्वारा दूर हो जाती है। जैसे राम का खाता हमें डेबिट करना था, उसको क्रेडिट कर दिया, और उधर से किसी का खाता जो है क्रेडिट हो गया डेबिट की बजाय उतनी ही रकम से। तो ये वाली जो है अशुद्धि क्या है, अपने आप दूर हो गई। एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, और उतनी ही रकम से हो गया। तो ऐसी अशुद्धि को कंपनसेटिंग एरर या क्षतिपूर्ति की अशुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की अशुद्धि से एक त्रुटि द्वारा दूसरी त्रुटि यानी दूसरी एरर को समाप्त कर देता है। इसलिए इसका लेखा तलपट, लाभ हानि खाता या आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट किसी पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एरर बराबर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है तलपट, दूसरा है आर्थिक चिट्ठा, तीसरा है लाभ हानि खाता, और चौथा है उपरोक्त में से किसी के भी नहीं। तो उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि विनियोगों की वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोजन खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। तो यह हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में, ठीक है। सिंकिंग फंड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो वसूली के पश्चात जो सिंकिंग फंड विनियोजन का खाता शेष है वो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि कंपनी के स्थिति विवरण में निम्नलिखित मद किस क्रम में दिखाई जानी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन सी स्थिर और अस्थिर, पहले स्थायित्व लेनी है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि करंट लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारा है करंट के लिए देनदार हो गया, और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला है ख्याति, जो मैंने कहा था स्थायित्व में सबसे पहले हम जो नहीं दिखने वाली चीज है, अदृश्य संपत्ति है, उसको लेंगे, यानी एक नंबर में ख्याति आएगी, यानी ऑप्शन दो तो हमारा बाहर हो गया। और इसके बाद दिखने वाली आएगी, यानी फिर हमारा विनियोग आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा देनदार आएगा, और उसके बाद प्रारंभिक व्यय आएगा, यानी जो ये क्रम है वो आपका बिल्कुल सही क्रम है, यानी एक दो तीन और चार। अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपका गुडविल आएगा, ठीक है। गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका फर्नीचर आएगा, फर्नीचर के बाद आपका विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास डेटर्स आएंगे जो देनदार है, और उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी यानी कि ये जो एक्सपेंसेस है प्रारंभिक वो आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको शायद आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई कमी लगती हो तो। अगले वीडियो में उस कमी को सुधार करके आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।